नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग ज्ञान ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ साइंस के चैप्टर 5 को कवर करूंगा, जो कि सीटेट पेपर 2 एवं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का लेसन 5 है पदार्थों का पृथक्करण। चलिए देखते हैं जो मेन मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, वही हमें पढ़ना है। तो पहला हाईलाइटेड पॉइंट है चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। तो चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूध को दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। चलिए अगला पॉइंट है सारणी 5.1 के कालम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रकरण दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों के बारे में बताया गया है। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला है हस्तचयन। तो हस्तचयन में देखते हैं, आइए हस्तचयन इस विधि का उपयोग गेहूं चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों तथा पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। तो हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों पत्थर तथा भूसे पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा पाया बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि कहलाती है या लगती है। चलिए आगे देखते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अगला है थ्रेसिंग। तो डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। तो डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। तो डंडियों से अन्य कण तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। तो किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। मिश्रण को जल में मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उधेड़ने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो मिश्रण में जल में मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उधेड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। तो निस्यंदन किसे कहते हैं? जब चाय की पत्ती को एक चाय की सारी पत्तियां छन्नी रह जाती हैं, इस प्रक्रम को हम निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो जल को उसके वाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अभिलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अभिलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस लेसन का सारांश जो है, हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। तो पृथक्करण की कुछ विधियां हैं जिसे हम जैसे हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन आदि। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। तो अनाज से भूसों को और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो भूसा और अनाज के भारी बीजों को हम निष्पावन विधि से पृथक करते हैं। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में
अंतर का उपयोग चालन तथा निषेधन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। तो किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निषेधन प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। तो रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारीकरण तरी में बैठ जाते हैं और निस्तारण द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। तो रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारीकरण तरी में बैठ जाते हैं और निस्तारण द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अभिलेय पदार्थ के अवयव का निषेधन के उपयोग में पृथक किया जा सकता है। तो द्रव तथा उसमें अभिलेय पदार्थ के अवयव को निषेधन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। तो द्रव तथा उसमें अभिलेय पदार्थ के अवयव को निषेधन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने की में किया जा सकता है। किसी विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह इस पदार्थ के संतृप्त विलयन होता है। तो जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। तो किसी पदार्थ को विलयन में गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों में विभिन्न मात्राएं में घुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आज के लेसन के अंतर्गत मैंने NCERT क्लास 5 साइंस के पृथक्करण के लेसन को पढ़ाया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था सीटेट पेपर 2 एवं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में 6 to 10th NCERT से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं सीटेट पेपर 2 में भी साइंस साइड से स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।